अच्छा स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक, और प्रभास के हेटर से हम पूछना चाहेंगे कि क्यों भैया सूजी है? क्योंकि चार करेले को लाल मिर्च के साथ तड़का मार के उसी करेले पे नींबू और नीम की चटनी के साथ अगर खाया जाए तो भी मुंह उतना कड़वा नहीं होगा जितना कड़वा मुंह प्रभास के हेटर्स मार्केट में लिए घूम रहे हैं। माने कोई सेंस है नहीं, कायदे से मैं उनको हेटर्स भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हेटर्स तो वो होता है जिसके लिए कोई एक्टर अगर चांद भी तोड़ कर लाए तो भी उसको मजा नहीं आता, क्योंकि उनकी जिंदगी का असली मजा तो उस एक्टर की जिंदगी नरक करना है। अरे बेटे, लेकिन प्रभास के केस में ऐसा नहीं है, उनके हेटर्स से ज्यादा क्रिटिक्स हैं। आदि पुरुष जैसी फिल्म करने के बाद भी जो लीड एक्टर अपनी अगली दो फिल्मों में एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड बना दे और बैक टू बैक 100 करोड़ की ओपनिंग दे दे, वो असली मायने में पैन इंडिया सुपरस्टार है भैया, है कि नहीं बताइए? खाओ मां कसम। कई लोगों का कहना है कि प्रभास को बाहुबली वाली लॉटरी लगी है, यही वजह है कि उनको बैक टू बैक मूवीज मिली जा रही है। वेल, इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है, बाहुबली जैसी फिल्म प्रभास की जगह किसी और को भी मिल जाती तो वो भी इतना पोटेंशियल रखता, लेकिन वो किसी और को मिलनी ही नहीं थी, है कि नहीं? क्यों? खुद राजामौली सर ने बात कही है कि बाहुबली का कैरेक्टर सिर्फ प्रभास के लिए लिखा गया था। राजामौली की तरह ही इंडस्ट्री के बाकी डायरेक्टर्स को भी पता है कि प्रभास अपने साथ एक बड़ा और लॉयल फैन बेस लाते हैं। साउथ के साथ नॉर्थ के भी स्टार्स पर्सनली प्रभास के हम्बल नेचर के कायल हैं। स्क्रीन पर जब 6 फुट 2 इंच का मस्कुलर आदमी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस लाता है तो वो इंसान किसी भी मसाला एक्शन एंटरटेनर के लिए एक आइडियल चॉइस हो जाता है। This is business. बिजनेस और प्रोजेक्ट दोनों के लिए प्रभास एक विन विन ऑफर लेकर आते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कुछ लोगों को क्यों प्रभास का ये पोटेंशियल नजर नहीं आता और क्यों वो लोग उनसे चिढ़ते हैं? क्या लगता है आपको? कॉमेंट करके आप अपनी ओपिनियन जरूर देना कि क्यों प्रभास से इतने लोग चिढ़ते हैं या उनके इतने हेटर्स हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि कल्की के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो प्रभास के पास है वो है संदीप रेड्डीवांगा की स्पिरिट। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर में शुरू होने जा रही है। संदीप वही डायरेक्टर हैं जिनके खाते में एनिमल जैसी फिल्म है। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर ऐसा डायरेक्टर प्रभास के साथ फिल्म ला रहा है तो वो कितनी कंट्रोवर्शियल होगी बताइए। एक तो वांगा सर की फिल्म और दूसरा उसमें प्रभास, क्रिटिक लोगों की रफ कॉपी में तो आग ही लग जानी भैया, आग। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। अच्छा वही कल्की के बारे में भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूं, इसके 600 करोड़ के बजट के पीछे भी प्रभास का नाम है। उनकी मार्केट वैल्यू को देखकर ही प्रोड्यूसर्स ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। उनके पैन इंडिया टिकट सेल्स में भी प्रभास का नाम चल रहा है। ऐसे में कोई ये माने या ना माने लेकिन प्रभास आज के टाइम के बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है। वहीं कल इसकी रिलीज से पहले ही नाग अश्विन ने एक इंस्टा लाइव किया था जहां प्रभास ने कल्की के सेकेंड पार्ट को कंफर्म कर दिया था। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये फिल्म कितना कमाएगी। इसकी ओपनिंग की बात करें तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म करीब 200 करोड़ प्लस का आंकड़ा पार करने वाली है। कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच भी था तो आज के आंकड़े इस बात पर भी डिपेंड करेंगे कि कल उस मैच ने नाइट ऑक्यूपेंसी पर कितना असर डाला है। ऐसा हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक इसका फाइनल डे वन कलेक्शन भी आ गया हो, तो हमारे कम्युनिटी सेक्शन में वो आपको पड़ा मिलेगा, जाकर वहां देख लीजिएगा। जी हाँ, हम अपडेट कर देते हैं आपके लिए, और आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे हम। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, और सारे प्रभास फैन से मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को वैसे ही फैला दो जैसे प्रभास की सक्सेस की आग उनके हेटर्स के तन बदन में फैल जाती है। बाकी मिलते हैं कल एक और मस्त वीडियो के साथ। प्रभास के फैंस, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना। कल की देखी या नहीं देखी, कैसी लगी वो भी कमेंट करके जाना, हमें जरूर बताना। कल फिर आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।